हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता, आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो आपका टॉपिक है, पॉलीमर सॉल्यूशन कास्टिंग। पॉलीमर सॉल्यूशन क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कंपोनेंट को क्या किया जाता है, बनाया जाता है किसी भी शेप में, वो सिंगल या मल्टी लेयर हो। ठीक। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग करते हैं। और इस प्रोसेस के लिए हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे एक्सट्रूजन या इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक। जो पॉलीमर सोल्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं, मैंड्रिल का क्या यूटिलाइजेशन करते हैं, इनर डायमीटर मोल्ड का हम प्रयोग करते हैं इसमें। उसके बाद जो पॉलीमर सोल्यूशन कास्टिंग होता है उसमें ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल एंड फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज के कारण जो पॉलीमर सोल्यूशन होता है थिन फिल्म अराउंड द मोल्ड के चारों तरफ बना लेता है। और मोल्ड को क्या कर सकते हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं टैंक के अंदर से, फिर कंट्रोल मैनर में। उसके बाद क्योरिंग करते हैं, फिर ड्राइंग करते हैं। अगर फर्स्ट लेयर ऑफ थिन फिल्म एप्रोप्रिएट सॉलिडिफाई, अगर पहली लेयर उसकी सॉलिडिफाई हो जाती है तो सेकेंडरी है उसको भी ऐसे बनाते जाते हैं। उसके बाद लेजर कट इसको कर देते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग रेनफोर्समेंट हैं जिनका प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। बहुत मल्टीपल कास्टिंग स्टेप्स के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वॉल थिकनेस, अच्छा एडिशनल लुमेन या ऑप्टिमाइज कॉलम स्ट्रेंथ भी हमें पता चल जाता है। उसके बाद बहुत ज्यादा आपको इसमें ध्यान देने की जो बात है कि वो थिन फिल्म प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं होगा, अल्टरनेट अगर अदर मटेरियल प्रॉपर्टीज के अल्टरनेट में, तो क्या होगा, रिच सिंगल पीस कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। द पीस अलाउज द अदर कंपोनेंट टू बी इनकॉर्पोरेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ड्यूरिंग द लेयरिंग प्रोसेस, सच एज इंजेक्शन मोल्डिंग कंपोनेंट। जैसे कि आप हाई परफॉर्मेंस प्लास्टिक है, जैसे पीटीएफई, पीबीएक्स और पॉलीएमाइड्स। एंड अदर नोटेबल एडवांटेज ऑफ पॉलीमर कास्टिंग टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा अगर आपको ध्यान देना है पॉलीमर सॉल्यूशन कास्टिंग टेक्नोलॉजी में, तो आपको क्या करना है कि ये प्रोटोटाइपिंग प्रोडक्शन भी करता है और फ्रिक्वेंटली इसका बहुत ज्यादा कन्वेंशनल मेथड से भी हम प्रयोग कर रहे हैं। प्रोटोटाइपिंग मतलब कि पहले से आपने कोई मॉडल, ये थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव मटेरियल है, थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव है। और इसमें क्या किया जाता है, आपको मैन्युफैक्चरिंग बहुत आराम से नए नए प्रोडक्ट का कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट बेनिफिट है बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव है। ठीक। उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स अगर है आपको तो कैरोथर्स क्रिएशंस कर सकते हैं। उसमें 1990 में एक एवेलन लेबोरेटरी थी जिसमें पीपर प्लास्टिक कारपोरेशन था, उसने क्या किया था, ये सब डेवलप किया था। इसका बायोमेडिकल रिसर्च में बहुत ज्यादा प्रयोग है प्लास्टिक का, इस टाइप का। उसके बाद कौन कौन से मटेरियल होते हैं जिसका पॉलीमर सोल्यूशन कास्टिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो बहुत सारे प्लास्टिक हैं, जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड मेडिकल डिवाइसेस, अर्लीस्ट मोस्ट कॉमनली फंड मटेरियल वेयर पॉलीविनाइल क्लोराइड ड्यू टू देयर एडवांटेज इन द कास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी और क्लियरिटी होती है। पास्ट 20 ईयर्स हैज द सिक्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुत हेल्थ इंजूरियस होता है, बहुत मतलब इसका टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद बेटे आप देखेंगे पॉलीयूरेथेन के बारे में, पॉलीयूरेथेन एक अदर टाइप का मटेरियल है जिसमें मेडिकल डिवाइसेस मार्केट डिमांड पे बहुत थिन वॉल सेक्शन के बनाए जाते हैं, लॉन्गर लेंथ में, एक्सटेंडेड ब्लड एक्सपोजर होता है, हाई स्ट्रेंथ और रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज होता है, इसमें इलास्टोमर एप्लीकेशन होता है। एमंग द फर्स्ट कमर्शियल पॉलीयूरेथेन मेडिकल प्रोडक्ट इज नॉन एल्जेब्रिक, जैसे कि मेडिकल ग्लव्स। ठीक। तो इत्यादि का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके बाद बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस हैं जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर्स, नरोवैस्कुलर्स, पेरिफेरल वैस्कुलर्स और इन्वेंटर कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी में, ऑन्कोलॉजी में, ईयर नोज थ्रोट में, गैस्ट्रो में, गायनोकोलॉजी में, डायबिटीज में, रेडियो में, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे मेडिकल डिवाइसेस जिसका हम एप्लीकेशन करते हैं। तो आज की क्लास को बेटे हम यहीं पे खत्म करते हैं, इसकी आगे की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू बच्चों।